आज हम जानेंगे ट्रामाल प्लस टैबलेट के बारे में, जो कि सल फार्मा की एक प्रोडक्ट है। और अगर इसके साल कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें ऐड होता है पैरासीटामोल और ट्रामाडोल। पैरासीटामोल जो कि नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एजेंट है, जो कि आपको फीवर से प्रिवेंट करवाती है, जबकि ट्रामाडोल आपका ओपियोइड एगोनिस्ट और सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक है, जो कि मैनेज करता है आपके मॉडरेट टू सीवियर पेन कंडीशन को। इसके साथ ही अगर आपने ऑपरेशन करवाया हो, उसके बाद आपको पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो, आपको सर्जिकल पेन हो, डेंटल पेन हो, या किसी भी चोट या इंजरी की वजह से आपको पेन हो गया हो, या नर्व पेन, न्यूरोपैथिक पेन हो, या किसी भी सर्टन अदर मेडिकल कंडीशन लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिब्रोमाइल्जिया की वजह से आपको पेन की कंडीशन हो, या किसी भी अंडरलाइन कॉज की वजह से आपको क्रोनिक पेन कंडीशन हो, तो उसमें आप इस ट्रामाडोल को एज अ पेन रिलीफ के तौर पर यूज कर सकते हैं। और इसे एनाल्जेसिक एक्शन को प्रोलॉन्ग करने यानी बढ़ाने के लिए भी यूज करवाया जाता है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जरा हम ये जो पेन की फिजियोलॉजी यानी हमें दर्द कैसे फील और प्रोड्यूस होता है उसको जान लेते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई पेन सेंसेशंस होती हैं, तो ये पेन सेंसेशन ट्रांसमिट होती हैं हमारे ब्रेन तक थ्रू नोसिसेप्टिक न्यूरॉन, जिसमें हमारे पास प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि हमारे इस पेन सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं हमारे ब्रेन तक। और जब ये हमारे ब्रेन तक जाता है तो इससे हमें दर्द की फीलिंग फील होती हैं। और इसके साथ ही एक और पाथवे होता है जिसे हम डिसेंडिंग इनहिबिटरी पाथवे कहते हैं, जिसमें के सर्टन मीडिएटर जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, सीराटोनिन 5-HT हो गया, वो स्टोर होते हैं और ये यहाँ से रिलीज होते हैं। और ये रिलीज होने के बाद हमारी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जाके बाइंड होते हैं। और जब ये उनके साथ बाइंड हो जाते हैं तो ये हमारे इस पेन सिग्नल को आगे ट्रांसमिट नहीं होने देते, जिससे हमारा हमारा जो पेन सेंसेशन का जो सिग्नल था वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता और इस तरह से हमें दर्द फील नहीं होता। मगर यहाँ एक लिमिटेशन, एक इशू है, वो ये कि इन मीडिएटर नॉरएपिनेफ्रिन और सीराटोनिन की यहाँ से रीअपटेक हो जाती है। और जब इनकी रीअपटेक हो जाती है रिलीज होने के बाद, तो इससे इनका लेवल न्यूरॉन में कम हो जाता है। और जब न्यूरॉन में इनका लेवल कम हो जाता है तो ये अल्फा 2 रिसेप्टर से बाइंड नहीं होते, जिससे कि मजीद पेन सिग्नल आपके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन और आपके ब्रेन तक जाता है और आपको मजीद पेन फील होता है। तो ये तो है नॉर्मल फिजियोलॉजी। मगर जब आप ये ड्रग ट्रामाडोल लेते हैं तो ये दो साइड पे अपने एक्शन को परफॉर्म करती है। एक तो ये कि ये जो मीडिएटर नॉरएपिनेफ्रिन और सीराटोनिन रीअपटेक हो रही होती है उसको इनहिबिट करते हैं, जिससे कि आपकी न्यूरॉन में जो नॉरएपिनेफ्रिन और सीराटोनिन का लेवल है वो बढ़ जाता है और आपका पेन सिग्नल आगे आपके ब्रेन तक ट्रांसमिट नहीं होता और आपका दर्द कम हो जाता है। दूसरा ये कि ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे जो म्यू रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जाके डायरेक्टली बाइंड करती है, जो कि फिर इनहिबिटरी इफेक्ट्स को शो करते हैं और आपके पेन सिग्नल को आगे ट्रांसमिट नहीं करते, जिससे कि आपको दर्द और पेन फील नहीं होता। अब इसकी डोज एडमिनिस्ट्रेशन को जान लेते हैं, तो आपने इसकी स्टार्टिंग डोज लो डोज से स्टार्ट करनी है और ग्रेजुअली आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो वैसे तो ये एक वीक ओपियोइड है एज कंपेयर टू मॉर्फिन, कोडीन और फेंटानिल, और इसका जो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन रिस्क है वो भी कम है। मगर इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स में आपको डिजीनेस का होना, नोजिया, वोमिटिंग होना, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको सीजर्स हो सकते हैं और आप में सुसाइडल थॉट इनिशिएट भी हो सकती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी सपोर्ट के अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपने और मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।